इसको हम लोग अब बना के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस ठीक है टाइप सर। की, सबसे पहला हम काम क्या करेंगे कि इसकी कोई दूसरी एक इमेज हमने को मिलती है ना, जिसके अंदर और ज़्यादा वर्क दिखाई दे, ऐसी कोई इमेज अगर इंटरनेट पे अवेलेबल हो तो पहले हम वो देख लेते हैं, अगर नहीं हो तो जी फिर इसी से काम चला लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ऐसे नहीं होगा, इमेजेस में जाना पड़ेगा पहले। सर, अपने पास दो चार इमेज हमें भेज दीजिएगा जिसे बना के ट्राई करेंगे। हाँ कौन सी कलमकारी की? जी सर, एक सर थे ना मेरे, तो वो हमको एक ऐसे ही बस बताए थे, लेकिन हमको उनका बात नहीं समझ में आया था। वो बोले कि, मैंने पूछा उनसे कि कैसे बन सकता है, तो वो बोले थे कि कोई ऐसी सिमिलर डिजाइन जो रिपीट वाली हो देख लेना, मतलब सेम मतलब जो रिपीट वाली हो, फिर उसमें इसकी लीफ और जो भी फ्लावर है उसको बिठाते चलना कॉपी पेस्ट करके, मतलब मैं बना के अलग से। तो सर हमको बहुत ज्यादा नहीं वो क्लियर हुआ था कि करना क्या है। वो कर सकते हो आप, लेकिन देखो जिसकी उसकी टेक्निक रहती है काम करने की अलग अलग, और मेरी टेक्निक ऐसी है कि भाई सेम बोला है किसी ने तो हमको वैसा सेम दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं तो पूरा नया ही बनाता हूँ, फिर कोई अगर जुगाड़ू है, डंडी वगैरह बनी हुई है तो उसके अंदर ऐसे मोटिव ऐड करके वो भी बना सकता है, जैसे आपके सर ने जैसा बोला है, ठीक है। तो ये जिसकी कुछ उसकी इच्छा सिमिलर है, टाइप की मेरे मिल पास जाए। अभी इस टाइप की तो बहुत सारी बन के रेडी है, बट वो सेम नहीं कहेंगे हम उनको, कुछ ना कुछ तो चेंज रहेगा ही ना यार, वो सेम कहाँ से आएगा, है कि नहीं। हाँ सर। तो ये हमको शायद नहीं मिलेगी इंटरनेट पे, तो कोई बात नहीं, इसको ही बनाते हैं। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इसकी साइजिंग चेक करनी है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये 15 इंच की साइज़ है ही इसकी, विथ में, हाइट में 17 है, तो मैं जो साइज़ है वही रखूँगा, भले मैं चाहूँ तो बाद में इसको बड़ा छोटा कर लूँगा, ठीक है। 150 मैंने रिजोल्यूशन इसका रखा है, एंटर मार देते हैं हम सिंपली इसको, और इसको हमने 75 का 150 में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसकी कैनवास साइज़ थोड़ी बड़ा कर देंगे हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डबल कर देता हूँ, डबल थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो भी चलेगी, पर डबल ही कर देते ना, 30 इंच बाय 30 इंच कर देता हूँ शायद, ठीक है। कैनवास साइज़ हमने बढ़ा दी, कैनवास साइज़ क्यों बढ़ा दी, क्योंकि हमको समझ लो इसका रिपीट अभी जो दिख नहीं रहा ना, वो भी हमको बनाना पड़ेगा ना थोड़ा कहीं कहीं पे, ओके। तो शुरुआत करते हैं हम आउटलाइन बनाने से, आउटलाइन हम बनाएंगे लगभग 3 या 4 पिक्सल के आउटलाइन बनाएंगे। मैं देख लेता हूँ कितने पिक्सल के आउटलाइन है यहाँ पे, हाँ 4 पिक्सल की है, ठीक है। और तो इसमें भी पेंस, प्रिंट साइज चेक करके पहले वो बड़ा कर लेते होंगे फाइल को ना। हाँ, पहले ही वो हमको चेक करना पड़ता है पहले कि आउटलाइन कितने की सूटेबल रहेगी, ठीक है। तो मैं 4 पिक्सल की मारूंगा और थोड़ा हल्का भारी करके मारूंगा तो बड़ी छोटी अपने आप हो जाएगी, नेचुरल दिखेगी आउटलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको आउटलाइन बना लेते हैं, उसके बाद में फिर देखेंगे बाकी काम। आउटलाइन बनाते वक्त अभी सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को आउटलाइन मारूंगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट जब सारे तैयार हो जाएंगे उसके बाद में इसको डंडिया बना दूंगा इसकी, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो फ्लावर है हमारा, ये इसको हम आउटलाइन मारेंगे, शुरू कर देते हैं हम। थोड़ी बड़ी आउटलाइन मेरे को लग रही है, मैं 5 पिक्सल की या 6 पिक्सल की ले लेता हूँ, ये ठीक रहेगी, ठीक है। और ये हो गया फ्लावर, सर, आप पेन पेन का यूज करते हैं तो उसमें ये पेन प्रेशर ऑन करके रखते हैं, हाँ पेन प्रेशर ऑन रहता है उसमें, क्योंकि तो सर ये लाइन जैसे कहीं जहां ऐसे कहीं पतली हो रही है, कहीं ऐसे रह रही है, थिक हो रही है, तो इसीलिए मैं पूछ रही थी। हाँ, ये पेन प्रेशर से ही होता है, तो वो आपको रखना रहता है, हाँ ठीक है सर। ठीक है। और एक बार पेन से आपको काम आने लग गया, अभी देखो जहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा वहाँ पे भी अपने को अपने मन से बना देना है कुछ भी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया और ये इस तरह से यहाँ पे बना दिया, ओके। तो ये हमारा एक मोटिव हो गया समझ लो आउटलाइन। फिर हम आते हैं यहाँ पे, ये फ्लावर जो है ना, ये थोड़ा दबा हुआ पिचका हुआ फ्लावर है, इसको हमको सही करना पड़ेगा पहले बनाने से पहले। तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके अलग लेयर में लिया, इसको कंट्रोल टी करके मैंने थोड़ा, है ना, इसके शेप में ला लिया बराबर। फिर हम इसको आउटलाइन बना देंगे, हमको बेसिकली 2-3 जो मेन मोटिव्स है ना वो हम बना लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा।
जो पेन टेबलेट होता है सर, किस कंपनी का सही रहेगा? वैकॉम, आपको जो लेना हो तो बताना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उस लिंक से आप ठीक परचेस कर लेना, आपको सेम ही भाव में पड़ेगा। ठीक है, जी। ये हो गया फ्लावर। अभी हम तीसरा मोटिव देख लेते हैं, आई थिंक यही फ्लावर इधर है। ठीक है, तो यहाँ हमको अलग से फ्लावर बनाने की ज़रूरत नहीं, ये फ्लावर इधर भी चल जाएगा। बस ये तीन ही फ्लावर अभी हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो ये कॉपी निकाली थी ना, इसको हम निकाल देंगे, डिलीट कर देंगे कॉपी को, ये लेयर की जो ये कॉपी है इसको हम निकाल देते हैं। फिर ये हो गई आउटलाइन हमारी, और ये हो गए ऑब्जेक्ट। अभी हमको ये आउटलाइन बनानी है। ठीक है, मीन्स के ये डंडी है ना, वो बनानी है हमको। तो डंडी हम पेन का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं पेंसिल से ही करके देखता हूँ, क्योंकि बड़ा स्ट्रोक है ना, तो शायद पेंसिल से इतना ठीक नहीं आए। बट ये नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट नहीं आएगा, तो मैं पेन से ही मार लेता हूँ इसको। ठीक है, तो ये जैसा अभी फोल्डेड दिखता है ना हमको, वैसा हाँ फोल्डेड सर। नहीं बनाना है हमको, हमको ऐसे बनाना है। ठीक है, नहीं और तो सर जैसे कि ये दोनों फ्लावर के बीच का जो स्पेस है सर कम है, कपड़ा मुड़ गया है, तो हमको अपने अंदाजे से उस फ्लावर को थोड़ा दूर पे ही रखना होगा सर ना, नहीं, मतलब वो ठीक देख। है, वो तो ऑल ओवर में मैनेज हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। आपको ध्यान कहाँ रखना है कि जैसे आड़े तेड़ा यहाँ पे दिखता है ना, वो डंडी वगैरह दब गई है, वैसा नहीं बनाना है अपने को। जहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है वो तो हम सही बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा परफेक्ट आ गया। फिर यहाँ से बना देते हैं ऐसे डंडी को, यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस इधर तक। बाद में देखेंगे कि आगे इधर क्या फिनिश कैसे करना है इसको, वो बाद में देखेंगे हम। फिलहाल हम यहाँ तक ऐसे बना लेते हैं। ये हो गई डंडी। यहाँ थोड़ी हमारी नहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, इसको यहाँ से बना लेते हैं ऐसे। इतना ओके, थोड़ा अभी इसको सही करेंगे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गई थी ना। इसको यहाँ पे टच करेंगे, इसको इधर, और इसको करेंगे इधर टच। फिर इसको 4 पिक्सल के आउटलाइन दे देते हैं हम। इस आउटलाइन को भी बड़ा छोटा करने का हो तो दो तीन ऑप्शन है हमारे पास, उससे हम इसको बाद वो कर देंगे बाद में इफ़ेक्ट, अगर ज़रूरत पड़ी तो, नहीं तो इतना तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम वापस से इधर भी ये डंडी जो है इसको बना लेते हैं ऐसे। ऐसा दिख रहा है अभी। ठीक है, उसके बाद में हम फटाफट से इसकी जो लीव्स है वो बना देते हैं पेंसिल से। आपको है ना ऐसे जॉइंट बराबर रखना है उसको, क्योंकि हमको कलर फिल करना है ना बाद में, तो वो खुला अगर रह जाएगा तो हमारा कलर फिर वो बराबर हो नहीं पाएगा। ठीक है, अभी हमको खास मेहनत, हमको दिमाग इधर लगाना है अभी, क्योंकि ये पत्ती बराबर दिख नहीं रही है और हमको इसको सही से बनाना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। सर इसमें एक चीज और है कि जिस कलर की लीफ है ना उसकी आउटलाइनिंग भी सर उसी कलर की हमको ऐसा लग रहा है, तो सर इसको बाद में हम लोग चेंज कर पाएंगे, सिलेक्शन लेना पड़ेगा फिर। जिस कलर की लीफ है उस कलर की आउटलाइन तो नहीं है वो सर खाली, देखिए ये पिंक का कुछ एक आउटलाइनिंग का सेकेंड शेड मेरे को सर देखने पिंक लग देना। रहा है। हाँ हाँ, ग्रीन का ग्रीन शेड का बराबर है बराबर, और ब्राउन का ब्राउन। हाँ तो बाद में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं उसको।
ठीक है, ठीक बाद में कर देंगे उसको। अभी जो पत्ती हमको सही से दिख रही है उसका तो कोई टेंशन ही नहीं, उसको हम बराबर बना ही लेंगे। ये वाली पत्ती भी एक बना देते हैं। ओके, कितना बन गया हमारा वर्क एक बार देख लेते हैं। इतना बन चुका है, अभी हमको ये वाली एक पत्ती और ये वाली एक पत्ती बनानी है। ठीक है, ये पत्ती भी थोड़ी आप देख सकते हो टेढ़ी हो चुकी है इधर, तो इसको हमको बनाने के टाइम सीधा बनाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे बनाएंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे ओके, अभी हमारी दो तीन पत्तियाँ बना देंगे तो हमारा मतलब बहुत सारा काम हो जाएगा अभी। तो ये वाली पत्ती बना देते हैं, पत्तियाँ ही ज़्यादा रहती है कलमकारी में और कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट एक दो रहते हैं और पत्तियाँ बहुत सारे डाल देते हैं वो लोग। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम पत्तियों के अंदर की जो आउटलाइन है ना वो बना लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो ना यहाँ पे ऐसा सब है। सर ये सारा एक ही पेज पे करेंगे? हाँ, एक ही लेयर में करूँगा मैं, मतलब लेयर के दो तीन ही लेयर बनेंगे अपने, ज़्यादा नहीं बनेंगे। एक अपने को लाइट डार्क जो इफेक्ट है ना ऊपर, उसका एक अलग से लेयर बनेगा, और ज़्यादा लेयर नहीं करेंगे हम। ज़्यादा लेयर मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, डिज़ाइन अपनी सादी सिंपल रखेंगे। तीन लेयर होंगे तो अपने को इजीली चेंजेबल भी हो जाएगा वो, कुछ भी मतलब कहीं का भी चेंज करना हो कलर तो हम कर सकते हैं। डिज़ाइन ऐसी बनाने की ना कि अपनी डिज़ाइन किसी और डिज़ाइनर के पास जाए तो उसको सर पे हाथ नहीं लगाना पड़े। तो बहुत कोई कोई डिज़ाइनर इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बनाते हैं ना, मेरे दोस्त ही है एक दो दोस्त ऐसे हैं ना, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे ना, यहाँ से ऑप्शन ले लेंगे कुछ, इधर से ले लेंगे, बहुत कुछ करते रहे बाप वो लोग तो, कुछ ना कुछ। समझ में नहीं आएगा, दूसरे को समझ में नहीं आएगा हाँ, जल्दी। फिर वो जहाँ पे डिज़ाइन जाती है ना, फिर वो डिज़ाइन अगर चलो वो भी उसी टाइप का रहेगा ना उनकी कैटेगरी का, तो विचार बराबर जुड़ जाते हैं दोनों के, तो दिक्कत नहीं होती। बाकी अगर वो अपने जैसा रहा तो मेरे को भी यार बहुत मतलब ऐसी डिज़ाइन आ जाती है ना तो छोड़ ही देता हूँ मैं उसको, या तो फिर मर्ज करने के बाद उसके अंदर काम कर देते हैं हम लोग कि भाई जो भी इफेक्ट डाली है ना सारा कुछ मर्ज कर दो उसके बाद ही काम करो उसके अंदर, वो एक ठीक रहता है फिर। सर अभी तक तो हम भी बहुत सारे लेयर पे काम करते थे। नहीं, उसमें बनाने वाले को क्या है ना, एक बार बना देते हम, लेकिन हाँ सामने वाले को सर, तकलीफ लेकिन पड़ती सबसे है। ज्यादा प्रॉब्लम होती है रिपीट का, अगर बहुत सारी लेयर हो जाती है तो रिपीट नहीं, हाँ, तो टेंशन हो जाता है। बहुत लेयर तो मैं इसके लिए कम ही रखता हूँ, हमेशा कम ही रखने के रहते हैं हमको। चलो, इतना हो गया हमारा अभी। आई थिंक इनफ है, कुछ ज़रूरत पड़ी तो दो चार लीफ बाद में हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। अभी हम यहाँ पे बनाने का बाकी है ना। और इधर चलो, इतना बन गया। ओके, इनफ है, रिपीट बनाने के लिए काफ़ी है। अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, फटाफट से कलर फिल कर देंगे। तो कलर फिल करने के लिए ये जो है इसको मेरे को बंद करना पड़ेगा,
नहीं तो मैं इसके अंदर कलर नहीं फील कर पाऊंगा। ठीक है, इसको आगे क्या करना है ना, डंडी को हम बाद में सोचेंगे, पहले हम इसके अंदर अभी कलर फील कर लेते हैं। तो फटाफट से हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे और कलर पिक करके इसके अंदर फील कर देंगे। जो जो कलर यहाँ पे दिख रहा है मैं इधर से ही पिक करके भर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा मेरे को इस तरह की कुछ इफेक्ट दिख रही है, जो आती है ना पंखुड़ी में, उस तरह की मतलब लाइट डार्क जैसी इफेक्ट दिख रही है। बाद में हम कलर के दो शेड दिए। हाँ, दो शेड है ना, पिंक और ब्राउन। अभी इसमें हर एक कलर इंडिविजुअल बन रहा है, कोई कलर मतलब दोबारा आए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम इधर से ही पिक करके इधर ही कलर डाल रहे हैं हम। ठीक है, इन सब में शायद कॉमन कलर है, तो इसमें हम कॉमन कलर डाल देते हैं, ये वाला ऑरेंज वाला जो दिखता है, थोड़ा लाइट वाला ले लेते हैं शेड, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना हमको। यहाँ पर थोड़ा पिंकिश टाइप का है, ये डाल दिया हमने। फिर यहाँ पे अभी हम सिंपली खाली पैचेस डाल देंगे सब तरफ, इफ़ेक्ट वगैरह हम उसके बाद इफ़ेक्ट बनाएंगे हम। ठीक है, ये डाल दिया सर, रिपीट से पहले ही इफेक्ट मतलब वो कर देते हैं सर, डाल देते हैं। हाँ, रिपीट से पहले ही करेंगे हम, उसके बाद ही रिपीट सेट करेंगे, क्योंकि रिपीट सेट करेंगे ना तो उसके बाद इस डंडी को हमको दो तीन बार यूज़ करना रहेगा, मतलब ये यही चीज़ को रिपीट में, फिर हमको वापस से हर जगह पे करना नहीं पड़े। उसके लिए हम पहली बार में इसको परफेक्ट बना लेंगे, फिर इसका हम रिपीट सेट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये वाला कलर डालेंगे हम, ब्राउन वाला। ये हो गया, सेव कर लेता हूँ ना फाइल को, है ना, कुछ होगा तो तकलीफ पड़ेगी, इसके लिए सेव कर लेते पहले ही, इधर ही कर देता हूँ फिलहाल। आपका तो पूरा ड्राइव सब भरा हुआ है। भर ही जाता है वो, क्या करें, वो फिर अपने आप से है ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और पूरा ड्राइव साफ भी हो जाता है अपने आप से। एक 4 TB की हार्ड डिस्क मेरी पूरी करप्ट हो गई थी, तो चला जाता है डेटा, क्या करे फिर। तो सर वो अलग से वो हार्ड डिस्क वो आती है ना, कौन सी वाली, अलग से 1 TB क्या वो हार्ड डिस्क आती है? मैं वो माय बुक यूज करता हूँ WD की, शुरुआत से मेरा एक ही ट्रस्टेड ब्रांड है हार्ड डिस्क के लिए, वो है WD, हमेशा उसकी। हाँ, WD की मेरे पास भी है सर। हाँ, और दूसरा एक जो है ना, कौन सा एक है दूसरा यार, WD है और उसके अलावा एक और है, वो भी अच्छा ब्रांड है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, क्योंकि मैं पहले लेता था उसकी, सिग्नेट या ऐसा कुछ है। मेरे पास सर कंपनी से मिला है मेरे को। अच्छा, WD का है रखा हुआ मेरे, मतलब जितनी डिजाइन आती है सब उसी में रखी हुई। हाँ, WD अच्छी है, मतलब उसकी सर्विस भी अच्छी है, मुझे दूसरी हार्ड डिस्क भी मिल गई थी, वारंटी में थी इसलिए। लेकिन डेटा का डेटा चला जाता है खाली, डेटा की कोई वारंटी नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, वो तो बता रहे थे कि डेटा भी आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा। नहीं, वो डेटा के लिए फिर चार्जेस बहुत चार्ज करते हैं वो लोग, रिकवरी वाले। अच्छा, हाँ, उनका पर MB के हिसाब से कुछ डेटा चार्ज रहते हैं, तो उसके लिए मैं वो सब बोला जाने दो। वैसे तो हमारा सर कई जगह डेटा रखा, मैं ईमेल ID पे भी डाल रखा हूँ, कहीं से रिकवर हो जाएगा। दो चार जगह पे हमारे कलर फिल करना बाकी है, वो हम कर देते हैं, इधर इधर यहाँ पे, चलो आई थिंक हो गया बराबर, इधर बाकी है। चलो इतना हो गया, अभी हम क्या करेंगे, इसको लाइट डार्क में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइट डार्क में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको थोड़ा साइड में ले लेता हूँ ऐसे, और इसको इसके बाजू में रख देता हूँ ऐसे,
या फिर मैं कैनवास साइज और थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, मैं इसको 60 कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी बट ठीक है, क्रॉप कर देंगे हम, ज़रूरत जितनी उतनी रखेंगे। ये मैंने कर दिया इतना क्रॉप, ओके। अभी हमको क्या करना है, इसके अंदर ऐसी लाइट डार्क की इफ़ेक्ट डालनी है, ठीक है, जैसी इसके अंदर दिख रही है ना वैसी। तो सबसे पहले हम फ्लावर के कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, और फ्लावर को मैं थोड़ा लाइट करूँगा इतना। फिर हम ब्रश लेंगे यहाँ से, और जैसा कि मैंने बताया था हमको क्या करना है, यहाँ पे डिसॉल्व सिलेक्ट कर देना है। ये मैंने डिसॉल्व सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हम इसके बाद इसके अंदर कलर भरेंगे डार्क वाला। तो डार्क कलर हम यहाँ से पिक कर सकते हैं ऐसे, और मैं जबकि डिसॉल्व करके मार रहा हूँ तो मैं बाद में ये कलर चेंज भी इजीली कर सकता हूँ। छोटा ब्रश ले लेते थोड़ा इतना, ठीक है। अभी भी एक ही लेयर में हूँ मैं, तो कोई गड़बड़ कुछ होगी नहीं, आप आराम से एकदम कंफर्टेबली काम कर सकते हो। जब तक यहाँ पे कुछ भी ब्लर वाली चीज़ नहीं आती ना, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ब्लर वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए सर। कोई ये डिज़ाइन ब्रश में। से किए हैं या पेंसिल से किए हैं? ब्रश ब्रश है ब्रश, ये ब्रश, हाँ डिसॉल्व, लेकिन यहाँ पे मैंने डिसॉल्व किया है, ठीक है मोड। तो ये इस तरह से दिख रहा है अभी। फिर हम पत्तियों में थोड़ा थोड़ा कलर डालेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा ब्राउन टाइप का कलर आ गया है, ब्राउन या ऑरेंज टाइप का, तो हम वैसा ही कलर इधर मारेंगे, ओके। थोड़ा आई थिंक लाइट करना चाहिए हमको कलर, तो हम लाइट कर देते हैं, कंट्रोल अल्ट जेड में कर रहा हूँ, यहाँ से हल्का हम लाइट कर देते कलर। और फिर हम इधर थोड़ा कलर मार देते हैं ऐसे, बस अभी जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे दिखता है वैसे वैसे हमको कलर मारते रहना है। इसके ऊपर ये डार्क कलर है, तो मैंने वापस ब्रश लिया ऐसा हल्का सा इधर घुमा दिया, थोड़ा और डार्क करना पड़ेगा शायद, थोड़ा और डार्क कर देते हम ऐसे, डंडी के अंदर भी हमको कलर मारना है। तो सारी डंडी का कलर मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से डार्क कलर हमने पिक किया, बड़ा ब्रश ले लेंगे इस बार, और इस तरह से डंडी के अंदर हम डार्क कलर भर देंगे कहीं कहीं पे, ओके। तो आई थिंक इधर थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ये पत्ती भी साथ में सिलेक्ट हो रही है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे उसका जो मैजिक वन टूल का टॉलरेंस है उसको ज़ीरो नहीं किया था, ठीक है। इसको ज़ीरो करके करेंगे तो खाली डंडी सिलेक्ट होगी, और फिर हम सिर्फ डंडी में ऐसे कलर मार सकते हैं। टॉलरेंस हमेशा आपको वहाँ पे ज़ीरो रखना है, ठीक है, नहीं तो क्या है, गलत सलत चीज़ें सिलेक्ट हो जाएगी तो वो कलर इधर उधर चला जाएगा सब। फिर यहाँ पे भी कलर मारेंगे हम, यहाँ पे ऑरेंज कलर दिया हुआ है तो हम वही कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बना देते हैं फिलहाल, बाद में देखेंगे इसको क्या करना है। फिर इधर भी लाइट डार्क थोड़ा दिखता है हमको, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और इसका डार्क कलर ले लेते हैं, यहाँ से थोड़ा डार्क करेंगे हम, ऐसे, ओके। बस इतना हो गया, अभी जितनी जगह पे बाकी है उतने पे फटाफट हम लाइट डार्क की इफ़ेक्ट दे देते हैं। मैं एक काम करूँगा, हर जगह पे अलग टेक्निक से करूँगा मैं अभी, क्योंकि तो अभी मैंने क्या किया है कि सारे के सारे कलर मैंने यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लिए हैं, मेहनत बचा रहा हूँ मैं, एक शॉर्टकट है जो यूज़ कर सकते हैं हम इस जगह पे, और ये भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक ही बार में हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो लगभग सारे जो पैचेस बचे थे हमारे पास वो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिए। अब हम एक नया लेयर लेंगे यहाँ पे 2 मिनट के लिए खाली, और उस लेयर में हम ब्लैक कलर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लिया मैंने ब्लैक कलर, लेयर को हम करेंगे सॉफ्ट लाइट, ये मैंने सॉफ्ट लाइट कर दिया। फिर हम ब्रश लेंगे, कौन सा ब्रश, वही जिससे हमने अभी ब्रश मतलब वो किया था, ठीक है, और फिर इस तरह से हम इस पे ऊपर कलर मारेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो इधर है ना, सारे के सारे में लाइट डार्क ऑटोमेटिक दिख रहे कलर वो, और अगर ज़्यादा डार्क दिख रहा है तो उसका भी सॉल्यूशन है अपने पास। पहले मैं कलर सब तरफ मार लेता हूँ, ओके। ये यहाँ पे छूट रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, वापस इसमें आके हम कलर मारेंगे, ओके।
फिर हमको क्या करना है, यहाँ से इसका जो ओपेसिटी उसको हम कम कर देंगे, तो अपने आप से लाइट डार्क बन गया। एक्चुअली ये चीज़ पहले भी हम करते तो भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी भी दो तीन जो फिगर बचे उसके अंदर हम इस तरह से ब्रश लेके बना देते हैं, अपने आप से लाइट डार्क आ जाएगा वो। ओके बस ये हो गया। फिर हमको क्या करना है, दोनों लेयर कर देने हैं मर्ज, तो मर्ज मैंने कर दिए और आप देख सकते हो एकदम सिमिलर ही बना है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है ना। अगर कुछ फ़र्क आपको दिखता है कलर में तो आप लाइट डार्क कोई भी कलर को चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये ग्रे है मुझको इसको थोड़ा लाइट करना है ऐसा मैं समझ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा मैजिक वन टूल से इसके ऊपर सिलेक्शन लूँगा और करूँगा मैं इसको सिमिलर। सिमिलर करने के बाद में इसको करूँगा ब्राइट, तो ये मैंने ब्राइट कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा ना, आप हर एक कलर सेपरेटली चेंज कर सकते हो और इसको ईजिली आप बना सकते हो। यहाँ पर मुझे थोड़ा इसको डार्क करने की ज़रूरत लग रही है तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ ऐसे। ओके यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? जी। आया ना, सेम लग रहा है ना? हाँ। लग रहा है कि नहीं लग रहा है सेम? आउटलाइन जो अलग अलग कलर का है, आउटलाइन जो अलग अलग कलर का है वो बाकी अभी अपना, ठीक है, वो हम करेंगे अभी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से सिलेक्शन ले लेंगे पहले, तो सिमिलर कर लेंगे, ब्लैक पूरा सिलेक्ट कर लिया हमने, जहाँ जहाँ पे आउटलाइन है ब्लैक की सारी सिलेक्ट कर ली। इसको हम करेंगे कॉपी और करेंगे डिलीट और करेंगे पेस्ट, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया, आउटलाइन का एक अलग लेयर बना दिया अभी। ओके और अलग लेयर बनाने के बाद में अभी हमको क्या करना है, इसको भी मैं एक शॉर्टकट तरीके से पहले करके देखता हूँ, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैन्युअली एक एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके हम करेंगे, बट मेरे शॉर्टकट ऐसे रहते हैं ना कि हमेशा काम कर ही जाते हैं, तो बहुत फास्ट तरीके से हम करके देखेंगे। मैं क्या करता हूँ अभी लेयर टू का एक डुप्लीकेट लेयर बना देता हूँ कंट्रोल जे दबा के, तो ये मैंने कंट्रोल जे दबा के एक डुप्लीकेट लेयर कर दिया। जो आउटलाइन है हमारी इसको मैं कर देता हूँ ओपेसिटी थोड़ी 50% के आसपास कर देता हूँ। ओके फिर ये जो लेयर है लेयर टू, मैं इसको करूँगा फिल्टर अदर और मिनिमम, ठीक है। मिनिमम हम करके देखते हैं, इसको बड़ा करके देखते हैं ऐसे, है ना, थोड़ा आउटलाइन के बाहर जाए इस तरह से, तो ये काम कर जाएगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ये। फिर जो आउटलाइन है इसको मैं और कम कर देता हूँ, 30 पे रख के देखता हूँ। ओके फिर ये दोनों लेयर मैंने मर्ज कर दिए, आउटलाइन को सिलेक्शन रखा है मैंने और दोनों लेयर मैंने मर्ज कर दिए। फिर मैं इसको सिलेक्ट इनवर्स करके कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कलरफुल आउटलाइन जो फ्लावर के मतलब कलर के साथ ही आ रही है अभी, ठीक है। मैं आउटलाइन को भी इसके साथ अगर मर्ज कर दूँ तो आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे पत्ती बनी है ऑटोमेटिकली उसी कलर की आउटलाइन उसके अराउंड आ रही है, ठीक है। और एक अच्छी बात और है कि ये थोड़ी है ना, कहीं कहीं पे अलग अलग कलर की भी आ रही है, तो वो भी ज़रूरी है ताकि ये ऐसा नेचुरल जैसा दिखे, है ना। तो एक तरह से वो भी एक अच्छी बात, हाँ अच्छी बात हुई है। तो एक बहुत ही कम टाइम में हमने सभी जगह पर पत्ती के साथ आउटलाइन को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्या किया वो समझ में आ गया आपको? नहीं आया, समझ में नहीं आया, नहीं आया होगा। फिल्टर में जाके सर आप मिनिमम किए थे और ये सिलेक्शन को सारी आउटलाइन को सेलेक्ट करके किए थे सर। चलो फिर से एक बार करते हैं, मैं कंट्रोल अल्ट जेड कर रहा हूँ, पहले जैसा कर देते इसको, ठीक है। ये हुआ हमारा अभी तक का काम इतना। ओके सबसे पहली स्टेप हमको क्या करना है, आउटलाइन को करना है फ्लावर से अलग। ओके तो हमने बनाया है इसको इस तरह से कि हम कोई भी कलर, कोई भी पैच, कोई भी चीज़ ऑटो इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे हमने एकदम शार्प कट दिए हुए इसके अंदर, पिक्सल टू पिक्सल है। तो हम आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ले लिया मैंने, राइट क्लिक करके एक बार सिमिलर करेंगे ताकि कहीं पर भी आउटलाइन नहीं छूटे हमारी, जैसे फ्लावर के बीच में छूट गया था ना और ये अंदर के जो है वो भी छूट गए थे, तो मैंने सिमिलर करने के बाद में सारा ब्लैक सिलेक्ट हो गया। ओके फिर हमको इसको कॉपी करनी है, डिलीट कर देना है और पेस्ट कर देना है। ओके उससे क्या हुआ, ये हमारा वर्क कलरफुल और ये हमारी आउटलाइन ब्लैक, आउटलाइन बाहर कर दी हमने, आउटलाइन बाहर कर दी, फर्स्ट स्टेज हमने ये की। सेकंड हमको क्या करना है, आउटलाइन का जो है ना यहाँ पे वो 30% कर देना है ओपेसिटी, ये हमने सेकेंड चीज़ कर दी। ओके थर्ड चीज़ हमको क्या करनी है, जो हमारा लेयर टू जिसके अंदर कलरफुल वर्क है ना उसका एक डुप्लीकेट लेयर हमको बनाना है, तो मैंने इसको कंट्रोल जे कर दिया, ठीक है। कंट्रोल जे करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लेयर टू बन गया,
तीन प्रोसेस हमने की है, आउटलाइन अलग की है, आउटलाइन का ओपेसिटी 30% किया है। तीसरी चीज़ हमने क्या की है कि जो लेयर टू था जिसके अंदर कलरफुल वर्क था उसका एक डुप्लीकेट लेयर हमने बना दिया है। फिर हमको क्या करना है, फिल्टर में जाना है, अदर में जाना है, मीडियम में मिनिमम में जाना है। ओके, मिनिमम में जाने से क्या होगा ना कि जो भी हमारा पैच है ना फ्लावर का कलरफुल, वो थोड़ा ऐसा एक्सपांड हो जाएगा, बढ़ेगा, वो सारे कलर्स ऐसे थोड़े फैलेंगे बाहर की साइड, तो वो कलर जो फैल रहे हैं ना उसका ही हमने को बेनिफिट लेना है, ठीक है, क्योंकि वही कलर हमको आउटलाइन में लेने हैं डार्क करके। और जो हमारी आउटलाइन है जिसको हमने 30% किया है उसकी वजह से ऑटोमेटिकली एक डार्क शेड आ गया इसके अंदर, है ना। तो अभी हमको क्या करना है, आउटलाइन के ऊपर कंट्रोल दबा के क्लिक कर देना है ताकि हम आउटलाइन को सिलेक्शन ले सकें। फिर हमको ये दोनों लेयर जो है मर्ज कर देने हैं, आउटलाइन और ये पैच वाला, ये तो अपना अलग ही है, ठीक है, इसको तो कुछ छेड़ा नहीं हमने लेयर टू को। फिर हमको करना है सिलेक्ट इनवर्स और कर देना है डिलीट। जैसे आप डिलीट कर दोगे तो वही कलर्स जो पत्तियों के या फ्लावर के अराउंड आते हैं तो वही सारे कलर्स अपने आजू बाजू आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन आ गया, यहाँ पे ब्राउन आ गया, और फिर भी आपको थोड़ा कम ज़्यादा लगता है तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट से उसको, या फिर कैसे भी आप उसको आउटलाइन को बना सकते हो, ठीक है। तो ये अभी समझ में आ गया क्या किया। तो हम दोनों लेयर मर्ज कर देंगे अभी, आउटलाइन और ये वापस मैंने मर्ज कर दिया। अभी आप इस कंडीशन में चाहो तो आप दोनों चीज़ अलग अलग रख सकते हो, लेकिन आपको दिक्कत पड़ेगी इसको ऑफसेट ये सब सेट करने में, ठीक है। तो इस जगह पे मैं रेकमेंड करूँगा कि आप क्या है ना, इस फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी बना लो जो अभी तक हमने काम किया, और जो ओरिजिनल फाइल है उसको ब्लैक आउटलाइन के साथ में ही सेव रखो कहीं पे, ताकि ये हमको बाद में कभी काम आ सके, है ना। क्योंकि आउटलाइन हमारी कलरफुल हो चुकी है तो हमको कुछ भी चेंज या छेड़छाड़ करने की ज़रूरत पड़ी तो इस मेन फाइल की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसको मैं सेव करके साइड में रख दिया, इसको बंद ही कर देता हूँ मैं फिलहाल। और हम आ गए इधर, अभी हमको इस फाइल को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने बेसिक चीज़ जितनी दिख रही थी, जितनी विजिबल थी और अच्छी थी, वो चीज़ हमने बना दी है। अभी हमको खाली इसका रिपीट सेट करना है तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रखा मैंने, दूसरा कॉपी निकाल के इधर रख देता हूँ मैं, हॉरिजेंटल कर देता हूँ इसको, या फिर इस तरह से यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। कहीं पर भी आप रख सकते हो जहाँ पर आपको सूटेबल लगे, तो इधर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैंने रख दिया, इतना बन गया। इतना बनने के बाद में कैनवास साइज और थोड़ी बड़ी कर देते हैं ना हम, ठीक है। 60 मैंने कर दी, बहुत बड़ी फाइल बना रहा हूँ मैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम बना देंगे इसको। इसको यहाँ पे रख दिया मैंने ऐसे, या फिर एक काम करते हम इसको हॉरिजेंटल कर देते हैं और इसके ऊपर इस तरह से जॉइंट कर देते हैं। ये हो गया परफेक्ट एकदम, एक पिक्सल का भी कहीं पे हेर फेर नहीं रहेगा, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट मैच हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारा रिपीट कहाँ से कहाँ बनेगा, इस फ्लावर से लेके इस फ्लावर तक हमारा रिपीट बनेगा, है ना। मान लो ये फ्लावर टू फ्लावर ये रिपीट, या फिर ये पत्ती ग्रे वाली यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा रिपीट बनेगा। तो हम अभी इसको सिंपली क्रॉप कर लेते हैं। पहले क्रॉप हम कैसे करेंगे, जैसे कि ये वाला फ्लावर है तो यहाँ पर मैं गाइडलाइन मार देता हूँ ऐसे, और फिर हम नीचे आते हैं, नीचे वाले फ्लावर में भी हम यहाँ पे गाइडलाइन मार देंगे। ये हो गया हमारा रिपीट, इतना हम क्रॉप कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो आप क्रॉप यहाँ से मत करो, इसको थोड़ा नीचे से कर लो अभी, ठीक है। सिलेक्शन मैंने थोड़ा नीचे कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सिलेक्शन की साइज़ सेम है। तो ये हमारा हाइट का रिपीट अभी सेट हो गया, अभी हमको विड्थ में इसका रिपीट करना है, ठीक है। तो विथ में रिपीट करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से इसकी साइज़ देख लेते हैं कितनी है। जो हमारा लेयर टू बना है ना अभी, जिसके अंदर ये सारा वर्क है, इसकी हमें कॉपी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कॉपी निकाल ली, और फिर हम करेंगे इमेज, इसमें जाते हैं कितना है, 50x56 करके देख लेते हैं इसका कितना रिजोल्यूशन बनता है, 25x28, ठीक है। तो फिल्टर में जाएंगे हम, अदर में, ऑफसेट में 25x28 यहाँ पर लिखेंगे, इधर ज़ीरो लिखेंगे, और इस तरह से आ रहा है अभी। ओके, तो ये मतलब थोड़ा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच कर रहे इधर, है ना। हमने इतना तो बना दिया, बट ये ऑब्जेक्ट थोड़े एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हमको ऐसा नहीं चाहिए वो। तो आई थिंक इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो है थोड़ी कैनवास साइज़ हमको बढ़ानी पड़ेगी, और हम
ज़्यादा कर लेते हैं, 60 मैंने कर दिया। यहाँ पे हम इसको इधर ऐसे रखते हैं, लेयर टू को इधर रखते हैं ऐसे, और इसकी एक कॉपी निकाल लेते हैं और मैन्युअली रख देंगे हम अभी, ठीक है। तो ये मैन्युअली इधर आ रहा है ऐसा, यहाँ पे अभी तो ये थोड़ा गैप पड़ रहा है, ओके। तो ये गैप को हमको फिल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर का ही वर्क ले लेंगे अभी। मान लीजिए इतना वर्क मैं ले ले रहा हूँ यहाँ पे, कॉपी हम निकालेंगे और पेस्ट करेंगे इधर, ठीक है। कॉपी पेस्ट किया मैंने, और इसको हम यहाँ पे कहीं पे ऐसे सेट कर देते हैं, जैसा इधर मैंने इसको सेट कर दिया, ओके, जगह फिल हो गई। फिर हमको ये जो डंडी है ना, इसको हमको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक तो इसको मैं मर्ज कर देता हूँ अभी, और ये जो डंडी है इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। तो हम फटाफट से इसकी आउटलाइन बना लेते हैं। इसको यहाँ से भी डिलीट ही कर देंगे हम, ताकि वो उसका फ्लो बराबर दिख सके, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे डंडी बना दी, कितने पिक्सल की मारी थी हमने, 4 पिक्सल की मारी थी ना आउटलाइन। तो पेंसिल ले लेते हैं हम, 4 पिक्सल के आउटलाइन इसको दे देते हैं इस कलर के साथ। डिलीट हमने कर दिया पाथ को, और इसके अंदर हम कलर डाल देते हैं यही वाला, ये हमने कलर डाल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा ये ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको हम फिलहाल साइड में रखते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, अभी रिपीट इसका बैठना ज़रूरी है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा गैप दिख रहा है ना, तो उसके अंदर हम एक पत्ती डाल देते हैं, ये वाली, ये पत्ती हमने उठा ली, इसको हमने यहाँ रख दिया, और पत्ती को हमको नीचे से दिखाना है, ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट करेंगे, और ये पत्ती जो है इधर हम इस वर्क के नीचे रखेंगे ऐसे, और इसको मैंने है ना 90 डिग्री और 180 डिग्री ऐसे ही घुमाया है, तो इसके अंदर कोई भी पिक्सलेट वगैरह होने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो एकदम सही बनेगी। फिर सारे लेयर मर्ज कर देते हैं हम वापस, ओके, इतना भर गया। फिर एक छोटी सी पत्ती मेरे को यहाँ रखनी है, और एक इधर रखनी है, और इधर रखनी है, 3 चीज़ें मेरे को रखनी है, तो वो बैलेंसिंग दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से एक छोटी पत्ती कहीं पे देख लेता हूँ, ये वाली चीज़ उठा लेते हैं यहाँ से, कॉपी हम करेंगे, पेस्ट करेंगे वापस से, और नीचे रखेंगे उसको, ठीक है। नीचे रखने के बाद में इसको अभी हमको थोड़ा कंट्रोल टी करना पड़ेगा, या फिर इसको भी कर दे करके देखते हैं, 90 डिग्री ऐसा वैसा करने से हो जाता है तो नहीं होगा। कंट्रोल टी से रखेंगे हम यहाँ पे ऐसे, ओके। एक इधर रख दिया, दूसरा मोटिफ हम यहाँ रख देते हैं, थोड़ा बड़ा करेंगे अभी हम, एक इधर रख दिया और एक इधर, ओके। प्रिंट साइज़ देख लेते हैं, प्रिंट साइज़ में सही दिख रहा है, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने देते हैं इसको, और ये यहाँ पे बराबर बैलेंसिंग हो गए। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे एक पत्ती रखेंगे हम, और इधर कुछ रख देंगे, गैप जो दिख रहा है ना उधर एक थोड़ा बहुत वर्क रख देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। ये वाली पत्ती उठा लेते इस बार, कुछ भी नया नहीं बनाऊंगा मैं, इसमें से ही उठा के रखूंगा अभी खाली इस बार, ठीक है। तो ये निकाल लेते ऐसे, बंद आए थे चार्जिंग मशीन दे, ओके। ये वाली पत्ती यहाँ रख दी, ये वाली एक पत्ती, इसको हम कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, फिर वापस नीचे रखा उसको, और इसको हम यहाँ रख देते ऐसे ऐसे, ओके। और इसी पत्ती को इधर भी रख देते हैं, बट दोनों सेम सेम कलर की हो जाएगी ना, तो थोड़ा जगह बदल देते हैं इसकी, यहाँ रख देते, ठीक है। वापस हमने मर्ज कर दिया, यहाँ पे थोड़ा ये इनकम्प्लीट सा दिख रहा है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। और यहाँ पे अभी थोड़ा गैप लग रहा है ना, तो अभी मैं क्या करूँगा, शायद कहीं और से उठाऊँ, उससे अच्छा है
कि मैं इधर कुछ थोड़ा बहुत वर्क ही बना डालूँ तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। तो मैं मान लो इसमें कौन सा कलर, ऑरेंज कलर नहीं है ना इधर, तो ऑरेंज कलर का कुछ वर्क बना देते हम इधर फटाफट से। ओके इतना बना दिया, इसके अंदर हम कलर फिल करेंगे। ऐसे आई थिंक ये ऑरेंज कलर हमको करना चाहिए, ये वाला कलर, और इसके ऊपर भी हम थोड़ा स्प्रे मार देते हैं। इसके ही डार्क कलर का बस, ठीक है, लगभग कंप्लीट है अभी हमारा वर्क। और यहाँ पे कुछ आई थिंक एक डाल देता हूँ कुछ भी चीज़, तो हमारा पूरा का पूरा मतलब डिज़ाइन ही कंप्लीट हो जाएगा ऐसा समझो। तो ये 4 पिक्सल एक्सपांड करके यही वाला इधर रख देता हूँ, कलर इसमें ये वाला डाल दूँगा बस। ओके अभी हमको सिंपली पूरा का पूरा वर्क उठाना है, इसको उठा के रख देना है इधर। ओके और जो भी मैंने बनाया एकदम परफेक्ट, एक पिक्सल भी इधर उधर नहीं होगा, ठीक है, आपको भी ऐसे ही बनाना है। फिर इसको हम कॉपी करके उठा लेंगे और इसको हॉरिजेंटल करेंगे हम। हॉरिजेंटल करने के बाद में वापस से इसको हम ऊपर रखेंगे ऐसे, ठीक है। कहाँ पे आएगा ये, आई थिंक इधर आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये इधर हमने रख दिया, उसी को उठा के और फिर उसी को कॉपी निकालेंगे हम और यहाँ नीचे लगा देंगे इस तरह से। ओके बस अभी हमको इसको रिपीट में कट कर देना है, साइजिंग करनी है और इसको फिल कर देना है, तो हो गई हमारी डिज़ाइन कंप्लीट। तो अभी रिपीट में कैसे कट करेंगे हम, जैसे कि आप देख सकते हो ये फ्लावर टू ये फ्लावर रिपीट है इसका, हाइट में तो हमने रिपीट में सेट कर ही दिया था इसको। ओके तो हमें ना यहाँ से इसको रिपीट में कट कर देते हैं, ये फ्लावर का सेंटर हो गया और ये हो गया इधर के फ्लावर का सेंटर। ये हो गया हमारा इतना रिपीट कट, सॉरी हाँ, यहाँ से इस गाइडलाइन तक कट हो जाएगा रिपीट ऐसे। ओके बाकी की गाइडलाइन की कुछ ज़रूरत नहीं हमको। इसके अंदर है ना बैकग्राउंड में हम ये वाला कलर डाल देते हैं। अभी ये हमारा रिपीट तैयार है। अभी हम इसके ना साइज़ देख लेते हैं एक बार, साइज़ से भी ज़्यादा है ना, मेरे को एक थोड़ी गड़बड़ यहाँ पे हो गई है, ये पत्ती थोड़ी ओवरलैप कर गया है यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाली पत्ती इधर उठा के रख देंगे ऐसा, कभी कभार हो सकता है, तो कोई बड़ा इशू नहीं, आप इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हो। वही पत्ती मैंने इधर उठा के रख दी है। और इसको हम लासो टूल से निकाल देंगे ऐसे, ठीक है, ये प्रिंट साइज़ हो गई। अभी हमारा रिपीट बन के रेडी है। तो हम इसकी साइज़ देख लेते हैं एक बार, 23 साइज़ है ना। तो इसको आप क्या है ना, पहले तो बड़ी साइज़ में एक बार सेव करके रख दीजिए कहीं पे, क्योंकि कभी भी बड़ी साइज़ पल्लू वगैरह में है तो आपको छोटा करने के बाद उसको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी हम इसकी साइज़ कर देते हैं 15x15 इंच, सॉरी हाँ 15x15 नहीं, हमको खाली विड्थ में 15 करना है, हाइट में जो होगा वही रखना है हमको। और इसको नियरेस्ट नेबर करके हमने छोटा कर दिया। ये अभी कंप्लीट है, इसको आप डिफाइन पैटर्न करके फिल करके देख सकते हो 30x45 में। तो ये न,
थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, इधर थोड़ा रिपीट में कट आ रहा है अपने, बट कोई मेजर इशू नहीं है, वो हमारा रिपीट कट करने के टाइम पे थोड़ी गड़बड़ हुई होगी, उसको अभी सॉल्व कर देते हम। ये मैंने ऑफसेट किया, ऑफसेट करने के बाद में हम इतना सिलेक्शन ले लेंगे, इतना सिलेक्शन ले लिया हमने, और कंट्रोल दबा के हम इसको इस तरह से जहाँ पे परफेक्ट बैठता है उतना इसको उठा के रख देंगे, है ना, ये यहाँ तक आई थिंक परफेक्ट है। फिर इसको हम वापस से इतना यहाँ सिलेक्शन लेके इतना क्रॉप कर देंगे। अभी हम इसकी वापस से साइज़ कर देते हैं 15 इंच, नियरेस्ट नेबर हम करेंगे और एंटर मारेंगे, और फिर हम इसको डिफाइन पैटर्न करेंगे 30x45 में फिल करके देखते क्या आता है। और ये परफेक्ट आ गया अभी। ओके, तो ये इस तरह से दिख रहा है, तो समझ में आ गया आपको बराबर? हाँ हेलो। सर, हाँ अभी हेलो। हम, हाँ ठीक है, तो अभी आपको है ना इसका जो ये है मतलब जो ऊपर हमने ये जो इफेक्ट डाली है ना, इसको आप ऐसे ही रहने दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस डिज़ाइन में भी थोड़ा टेक्सचर जैसा मेरे को दिख ही रहा था, मतलब है ना ये अच्छा ही दिखेगा। और अगर आपको वैसा नहीं चाहिए, इसको आपको कन्वर्ट करना है स्प्रे में, तो वो भी मैंने आपको बता दिया था कैसे करना है। आपको सारी की सारी चीज़ें अलग लेयर में ऐसा सिमिलर करके कॉपी करके पेस्ट कर देनी है, और फिर इसके अंदर अपने को यही लाइट वाला कलर फिल कर देना है। तो ये क्या हो गया, एक पैच बन गया पूरा, और उसके ऊपर ये डार्क की इफेक्ट आ गई। फिर आप चाहो ना तो इस पैच को वापस सिलेक्ट करके जो इफेक्ट है अंदर की, इसको आप ब्लर कर सकते हो, तो ये स्प्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, कहाँ गया वो, ये रहा है ना गैसियन ब्लर जो है वो हम करेंगे, तो ये स्प्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको क्या है ना, मैन्युअली इतना सारा स्प्रे हम मारते हैं और उसको बहुत तकलीफ़ पड़ती है ना, आपको पता है क्या होता है जब हम स्प्रे भी मारते हैं और उसको रिपीट सेट करने में कितनी दिक्कतें आती है। तो ये हमने एकदम इजी वे से डिज़ाइन बना दी है अभी। इसको हम सारी जगह पे स्प्रे ऐसा सिलेक्ट करके है ना, एक स्प्रे का लेयर बनेगा आपका, और दूसरा है पैच का बनेगा, तीसरा बैकग्राउंड का बनेगा। बैकग्राउंड भी मैंने अभी मर्जी कर दिया है, बट बैकग्राउंड आप इजीली अलग कर सकते हो इसके अंदर। और इसको मैं तो कहूँगा ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही ठीक लग रहा है ये। ठीक है, समझ में आ गया बराबर? पूछिए अभी कुछ पूछना हो तो। सर नहीं, आगे बना के देखेंगे फिर हाँ तो बना के देखिए, वीडियो मैंने पूरा रिकॉर्ड कर ही दिया है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके। और देखो मैं अभी जो बना के दिखा है ना, कलमकारी की डिज़ाइन ऐसे ही बनानी चाहिए। इसके अलावा ठीक है सर। आपके पास दूसरी टेक्निक हो, किसी और के पास कोई दूसरी टेक्निक हो, तो अलग अलग स्टाइल रहती है काम करने का, बट जो लुक इसमें आएगा ना वैसा लुक आपको अलग टेक्निक से नहीं आ सकता, और इतना फास्ट भी नहीं बन सकता है। ठीक है, जैसा कि एक लाइव क्लास के दौरान मैंने आधे से पौन घंटे में डिज़ाइन बना के दिए आपको, तो है ना ज़्यादा जितना ज़्यादा सोचोगे बनाने के टाइम उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगा, सर सोचना ये नहीं है। सर, लाने के लिए सर मैं आउटर ग्लो, इनर ग्लो वगैरह सब फिल्टर से जा करके सर मैंने एक भी फिल्टर करती नहीं इतनी यूज़ किया आपने फिल्टर्स। देखा फिर सर उसको ना सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि वो सेम लेयर पे ही होता था। अभी ये है ना, अभी एक ही लेयर में पूरा काम है हमारा, और आप देख सकते हो कि मैं हर एक चीज़ में इजीली चेंज कर सकता हूँ। जैसे मेरे चेंज को हो जाएगा कोई सर। भी हाँ कलर भी है ना, आप जानती हो जाएगा तुरंत ही, है ना हाँ ऐसे। हाँ हाँ सर। हाँ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सर, सॉल्व हो गया। ठीक ठीक है, फिर है सर। तो आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। आपको ये फाइल चाहिए हो तो बोल दो, मैं आपको भेज देता हूँ। दे दूँ ये फाइल हाँ सर, आपको? हाँ सर। ठीक है, मैं ये फाइल भी टेलीग्राम कर देता हूँ आपको। और चलिए फिर आज की क्लास ख़त्म कर देते हैं। गुड नाइट। ठीक है। ठीक है। ठीक है।